आईपीएल 2021 में कल के मैच में आरसीबी की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया और इस जीत के बाद पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चार टीम इस साल प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी और क्या राजस्थान की टीम इस साल प्ले ऑफ में जा पाएगी या नहीं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक शानदार फैंटेसी ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है हाउजेट। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डाउनलोड करते ही ₹3,000 का वेलकम बोनस मिलेगा और यदि आपकी टीम युवराज सिंह, सुरेश रैना और इरफान पठान जैसे लीजेंड की टीम को हराती है तो आपको मिलेगा आपके विनिंग का डबल कैश। काफी सारे लोग हाउजेट से लाखों रुपए जीत चुके हैं और हाउजेट के रिसेंट विनर्स का पिक्चर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे और आपके विनिंग को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी डाउनलोड करें हाउजेट ऐप को। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी चार टीम इस साल प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी। तो उससे पहले हम आपको बता दे कि कल के मैच में राजस्थान की टीम को आरसीबी ने हरा दिया और इस हार के बाद राजस्थान की प्ले ऑफ की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर ये टीम बाकी बचे सभी मैच जीत जाती है तो इस टीम के टोटल 14 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन 14 पॉइंट के साथ प्ले ऑफ में जाना काफी मुश्किल है, क्योंकि प्ले ऑफ में जाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में राजस्थान की टीम अब अदर टीम के ऊपर डिपेंडेंट होगी और अदर टीम अगर राजस्थान के फेवर में खेलती है तभी राजस्थान की टीम प्ले ऑफ में जा पाएगी। वहीं पंजाब के पास अभी भी चांस है, हालांकि इस टीम के हालात भी राजस्थान की तरह है, तो लगभग पंजाब की टीम भी प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है। इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम अगर बाकी बचे 3 में से 3 मैच जीतती है तो आसानी से प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी। तो यहां पर मुंबई के पास हाईली चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी। इसके बाद कोलकाता के बारे में बात करें तो ये टीम भी अगर सभी मैच जीतती है तो आसानी से प्ले ऑफ में चली जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली चौथे पोजीशन के लिए कोलकाता और मुंबई में काफी बड़ी फाइट देखने को मिलेगी। तो आपके अकॉर्डिंग कोलकाता और मुंबई में से कौन सी टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी उस टीम का नाम कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद क्वालिफाई टीम्स के बारे में बात करें तो चेन्नई की टीम ऑफिशियली प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि इस टीम के पास टोटल 16 पॉइंट है। इसके बाद दिल्ली की टीम भी ऑफिशियली प्ले ऑफ में जा चुकी है, क्योंकि इस टीम के पास टोटल 16 पॉइंट मौजूद है। वहीं आरसीबी के बारे में बात करें तो आरसीबी की टीम को अब प्ले ऑफ में जाने के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत है और अब यहां पर से आरसीबी की टीम प्रयास करेगी कि बाकी बचे 3 मैच जीत करके 20 अंकों के साथ पॉइंट टेबल के टॉप 2 में फिनिश किया जाए। तो आपके अकॉर्डिंग आरसीबी टॉप 2 में फिनिश कर पाएगी या नहीं कमेंट में जोड़ बताएं। और आरसीबी की टीम लगभग प्ले ऑफ में जा चुकी है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चार टीम प्ले ऑफ में जाएगी कमेंट में जोड़ बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।